और यहाँ पे मोटरबाइक भैया जो कि मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ, बहुत टाइम का मिल रहा है। हम लोग और यहाँ पे एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है संदीप मैडम, मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ। थैंक यू। हाय, कुछ बोलो यार। कुछ हम बोलेगा, आप लोग जरूर इसको भी मदद करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और यहाँ पे एक खगर है ब्रो, नाइस टू मीट यू, फर्स्ट टाइम हाँ भैया। ये आर एक्स 100 है, मुझे लगा नहीं था कि आर एक्स 100 है भाई, फुल्ली मॉडिफाइड। तो आप खुद को राइडिंग जगत में कैसा लग रहा है वो तो मुझे पता नहीं पर भैया, दिल गार्डन गार्डन हो गया भैया, तो आपको कैसा लग रहा है? हम लोग निकले और ये बारिश ना हो, ये भी हो सकता है क्या? तो हेलो गाइस, मैं निकल सकूँ आज नए रेस्टोरेंट के साथ चिंतन सुनील और मेरे पास यहाँ से हम लोग यही निकलेंगे और बाकी में लेंगे सब्सक्राइबर, मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग। तो मैं आज लेट हूँ बहुत बहुत, मतलब बहुत ही लेट, तो अभी जाके निकलते हैं हर हर महादेव जय विश्वकर्मा। तो आज का राइड अच्छा ही जाए क्योंकि मेरे मिस जा रहा था, तो उस संडे में गया नहीं कहीं पे भी बारिश की वजह से, तो इसलिए इस संडे निकल पड़ा। तो साइड से हम लोग विलम नगर के उस साइड में जाएंगे, यही सोच रहा है। शुभम भाई भी है वहाँ पे और कुछ नए नए राइडर्स मिलेंगे, तो आप सबसे मिलाते हैं सबको, ठीक है? तो फिलहाल मैं निकल सकूँ अकेले और कोई नहीं है मेरे साथ, लेकिन आगे जाके तो होगा मुझे पता है, लेकिन अभी तो नहीं है कोई भी। वो मेरे हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लगाया, उसको लगाता है पहले। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है हेलमेट का स्ट्रैप लगाना। तो गाइस मैं आज इंटरकॉम पे लगा लिया, अभी कोई टेंशन नहीं होगा। अनित भाई चंदन वो लोग कॉल करेगा तो मैं बात करके भी जा सकता हूँ आज। तो गाइस फिर से अनदर ब्लॉग में आप सबको स्वागत है। तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग एंड अनदर वीडियो, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग डीकेएस ब्लॉग। नया ब्लॉग में आप सबको स्वागत है फिर से। संडे राइट तो संडे राइट होता है ब्रो, जल्दी घर आप वापस आएंगे आज। में तो हमेशा मेरा रात होता है। इस तरफ देख सकते हैं हरियाली, बहुत सुंदर हरियाली है भाई। भाई आई एम सो सॉरी यार, सरल पर हम लोग को कैंसिल हो गया क्योंकि रिसेंटली सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल आया है आगे, और मेरा भी एग्ज़ाम्स निकल आया, तो इसी वजह से भाई सरल पर अभी तो राइट नहीं होगा, लेकिन हम लोग बोला था कि सरल पर करेंगे इस संडे। वो क्या करें गाइस, तो नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी गाइस। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे और मज़ा बहुत इन्जॉय करेंगे, मज़ा करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है? तो ये हेलमेट के अंदर जो मैंने इंटरकॉम का जो स्पीकर जो है ना, तो मैंने अंदर लगा लिया, तो उसके वजह से थोड़ा मेरे कान जो है ना वो दर्द करता है, इसलिए मैंने ये मास्क पहनने से अच्छा होता है क्योंकि कान आपका जो फोल्ड होके नहीं रहता है। और क्या ही बोलो भाई, आज का वेदर कितना मज़ा है, यू कैन सी दिस। वो भाई जितना बोलो भाई बहुत कम पड़ता है बोलने से भी, तो फील लो फील। शायद कुछ दिन के बाद मुझे शिलोंग जाना पड़ सकता है क्योंकि मेरा शिलोंग में भी एक एग्ज़ाम्स है, तो क्या बोलूँ कि शिलोंग तक मैं जाए तो पता नहीं मैं बाइक लेके जाऊँ या ना जाऊँ, ये सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि भाई ये ले तो सकता हूँ पर देखता है यार क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा। अगर ले जाएंगे तो ब्लॉग बन जाएगा और नहीं ले जाएंगे तो कोशिश करूँगा मैं ब्लॉग बनाने का फिर भी, और बस मोटो ब्लॉग नहीं हो पाएगा उसमें, तो आगे देखता है क्या होता है, ठीक है? ओ कलेपरा पहुंच गया भाई, यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन, रेडी। गर्मी उतना लग नहीं रहा है क्योंकि मैं चला रहा हूँ ना बाइक, तो इसलिए हवा की वजह से उतना गर्मी नहीं लग रहा है, तो ये हवा चल रहा है इस वजह से मेरे को गर्मी फील नहीं हो रहा है। तो भाई जिग-जैग पहुंच चुका हूँ मैं और मज़ा ही मज़ा आ रहा है राइड का। एक्चुअली मैंने ग्लोव्स लेके आया, ग्लोव्स बैग में है, आगे जाके पहनूंगा, और मैं ये हैंड्स का स्लैब्स भी लेके आया, वो भी लगाऊंगा आगे जाके, लेकिन अभी नहीं लगा रहा हूँ, अभी हवा का मज़ा ले रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। भाई वो लोग सभी गैस में निकलता है लेकिन मेरे पास राइडिंग जैकेट नहीं है, सोच रहा हूँ कि मैं भी जल्दी राइडिंग जैकेट ले लूँ एक, तो अगर हो सके तो आगे जरूर लेंगे अभी राइडिंग जैकेट। सब लोग दुआ करना भाई जो कि मैं सूट्स पहनकर राइड कर सकूँ एक दिन, राइडिंग सूट के साथ पूरा फुल गियर के साथ, दया लगाएगा ना। तो भाई वो एक ड्रीम से मेरा जो कि मैं सारा कुछ पहनकर, एक और ड्रीम है यार वो एक दिन तो एकदम पूरा करेंगे ही मैं जरूर, कि लगेज बन के बाइक में पूरा लद्दाख वाला फील लेके सब कुछ बाइक में, जितना भी हो टेंट वेंट लगा के बाइक में, राइडिंग गियर्स लगा के, जैकेट लगा के, कहीं राइड पर निकलने का दूर एक दिन रहने का वहाँ पे टेंट लगा के कैंपिंग करके, तो ये भी सपना है, ये सपना मैं ज़रूर पूरा करूँगा एक ना एक दिन, और होने भी वाला है भाई। तो भाइयों के साथ एक दिन ये राइड ज़रूर कम्प्लीट करूँगा मैं, तो ज़रूर आप लोग जुड़े रहना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, मेरे इंस्टा को भी फॉलो करना गाइस, इंस्टा में भी है डीकेएस ब्लॉग करके, वो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, रील्स देखने के लिए इंटरेस्टिंग, ठीक है? ये सिलीगुड़ी वाला बस यहाँ पे क्या कर रहा है, क्यों रुका हुआ है, ढो रहा है क्या? तो भाई
या अमपट्टी पहुंच चुका हूं मैं फिलहाल। I love Ampatti guys। तो आगे में उल्टे है फिर सुनीत भाई के वहाँ सीधा के सीधा, ठीक है। ये ऑफ नहीं, ऑन कर रहा हूँ मैं। ये आशीष भाई मिला यहाँ पे, थोड़ा सपोर्ट करो भाई आशीष ब्लॉग्स को भी। हाँ, इसका चैनल को रिपोर्ट मारना है, ठीक है। वही जा रहे हैं सुनीत भाई, वेट कर रहे सामने। पता नहीं उस साइड में जाएगा, विलियम नगर उस साइड में जाएगा वो। हाँ, वृंदावन देखते हैं, अगर हो जाएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो भैया यहाँ पे आशीष भाई मिल चुका था। ये कहीं जा रहे बंदा, ये नहीं आ रहा है राइट पर, इसका काम बहुत होता है भाई। गाइस ये जो व्हाइट बोला जो फ्लावर देख रहे हैं ना फूल, यार इसमें मुझे फोटो खींचना है, काफ़ी मस्त आता है यार, रील्स बनाना है। अगर कहीं पे किसी पे कोई अगर मेरे सब्सक्राइबर है भाई, इसके इस तरह का बगान बहुत सारा मैदान में ऐसा फूल खिलने वाला, तो ज़रूर कमेंट करके बताना यार, मैं ज़रूर जाऊँगा वहाँ पे, व्लॉग करूँगा और रील्स बनाने के लिए जाऊँगा, ठीक है। तो ज़रूर बता देना अगर कोई है ही तो ऐसा वाला। तो अभी का जो मौसम है ये फूल फ्लावर फूट चुका है, बहुत अच्छा लगता है, सारा सफ़ेद सफ़ेद हर जगह में, तो यही सीजन है उसका खिलने का। तो बता देना यार कोई कॉमेंट पर, ठीक है, अगर है तो कहीं पर। तो आज मौसम काफ़ी साफ है, क्लियर है। वह सामने वो गारो बता का जो पहाड़ है या तूरा का वो दिखाई दे रहा है वहाँ से, लेकिन अभी इधर से नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर से दिखाई दे रहा था अभी। तो सुनीत भाई के वहाँ पे वैसे ही पहुँचने वाला हूँ मैं, अभी मिलते आगे, ठीक है। तो फाइनली पहुँच चुका हूँ सुनीत भाई का घर, पता नहीं ये बंदा कहाँ पे है, वो रास्ते पे ही निकला हुआ है। वेलकम फाइनली। बूम, ये लोग पहले से कितने देर वेट किया, 10 मिनट। वो आशीष मिला था इसलिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, वो बहुत टाइम वेट कर रहा था मेरा, थैंक यू वेट करने के लिए सुनील भाई। चलो सामने अभी चंदन वेट कर रहा होगा हम लोग का, चलो आज निकलते हैं। ये लगता पूरा गियर वेयर पहन के निकल गया, मेरा तो कोई राइडिंग जैकेट भी नहीं है भाई। तो हम लोग यहाँ से निकल चुका है, अभी आगे मिलेंगे हमारा चंदन भाई, ठीक है। तो मिलते हैं आगे। यहाँ पर सुनील भाई पूरा गियर्स के साथ निकला है, मतलब पूरा ही राइडिंग गियर्स के साथ निकला है। ये देख उसका कॉर्नरिंग और थोड़ा सा मतलब नी टच ही हो गया प्राय, मतलब और कुछ इनसे नी पूरा ट्रैक करके जाता वो। अभी शायद ये लोग कॉर्नरिंग करेंगे वहाँ पे, लेकिन मुझे तो नहीं करने भाई, क्योंकि मेरे पास ना जैकेट है ना कुछ भी, गियर्स नहीं है, मैं बस राइड के लिए आया था। मेरे साथ के व्लॉग ही होगा, कॉर्नरिंग का वीडियो आप लोगों को मिलेगा, मैं शूट करूँगा, लेकिन मैं खुद नहीं करूँगा साइड, क्योंकि विदाउट राइडिंग जैकेट, विदाउट राइडिंग एनी मतलब शू और नी स्लाइडर्स के बगैर, मतलब ये सब करना अच्छा नहीं होता है, मतलब खुद के लिए रिस्की होता है, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तो गारोदा पहुंच चुका है, आगे मिलेंगे हम लोग का चंदन भाई को। लोग बहुत रिएक्शन देते हैं सुनीत भाई का ये सर राइडिंग का स्पीड के चलाने पर, वो बच्चे लोग जो अभी देख रहा था वो बोल रहा था वो लोग। चंदन भाई का गियर्स पहन लिया मैंने आज तो। तो गाइस जो भी हो, आज मैं एक राइडिंग जैकेट ट्राई कर रहा हूँ, जो कि ये चंदन भाई का है। तो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस लेने के लिए वहाँ पे चंदन भाई निकल चुका है, ये सुनीत भाई है, और मेरे यहाँ पे है मतलब ग्लव्स, मैंने पहना नहीं, उसको पहन कर देखते हैं, ठीक है। विद ग्लव्स और राइडिंग जैकेट के साथ कैसा लगता है राइड, बस वो एक्सपीरियंस लेने के लिए पहना हूँ मैं ये भाई। ये बहुत पुराना ग्लव्स है, अगर आप लोग देखा होगा मेरे पहले जब मैंने राइड किया था तो इसी ग्लव्स को लेके मेरा राइड किया करते थे। ओके, अभी मेरे को निकलना बारी है। हम लोग राइड के लिए निकले और बारिश ना आए, ये इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता ये। तो जो भी बोलो, आफ्टर गियर ऑफ मतलब राइड करने का मज़ा कुछ अलग ही आता है, सच में आज वो मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मैं आज राइडिंग जैकेट पहन लिया भाई, और वो भी चंदन भाई का, मज़ा और फीलिंग कुछ अलग ही आ रहा है, टाइट टाइट सा। लेकिन अगर मैं घर से ये राइडिंग जैकेट पहनकर निकला भाई, तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, घूर घूर के तो जरूर देखेंगे देखेंगे, और ऊपर से एक सवाल पूछेंगे मुझे कि तुम इतने गर्मी में राइडिंग जैकेट पहनकर, मतलब इतनी गर्मी, उन लोगों को पता नहीं होता कि राइडिंग जैकेट क्या है, लेकिन वो लोग यह जरूर बोलेंगे कि इतनी गर्मी में आप लोग जैकेट पहन रही हो, इतनी गर्मी में क्यों पहना है यह जैकेट, क्या ठंड लग रहा है क्या तेरे को, यह सवाल ज़रूर से करेंगे, मुझे पता है, आई नो, क्योंकि मैं कैमरा भी लगाता था पहले, तो भी मुझे ऐसे ही बोलते थे कि ये क्या है, हेलमेट में क्या है, इसे बहुत कुछ नोटिस करता था, इसलिए मैं नॉर्मली निकलता था भाई। ये जैकेट बहुत भारी है रे, क्योंकि एक्सपीरियंस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं भी एक लेने वाला हूँ राइडिंग जैकेट, तो इसलिए ये चंदन भाई का जो जैकेट है वो आज मैं ट्राई कर रहा हूँ, तुरंत तक है बस, वो आगे जाके पहन लेंगे, क्योंकि वो लोग सारा 11 होकर निकला है। तो यहाँ पे चंदन भाई फ्यूल अप कर चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हम लोग निकले और ये बारिश ना हो, ये भी हो सकता है क्या, इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई नहाया था नहीं, चंदन भाई भी नहीं नहाया मुझे पता है। इसलिए देखो अभी बारिश हो रहा है, करी तो करे क्या, सुनीत भाई निकल चुका है भाई, बहुत टाइट लग रहा है। तो एक ब्रदर्स मिला जो सब्सक्राइब करेगा हम लोग को चैनल का साइट, सो एक सब्सक्राइबर नया मिल गया।
तो हम लोग यहाँ से निकल चुका है, बारिश आ रहा है तो सामने जगह शायद रुकेंगे हम लोग। पूरा हालत ख़राब, जब भी निकलते हैं बारिश खत्म। एक ब्रदर मिला, क्या नाम बताया भैया आपका? सी एम डॉट भी है ना, CM.XR.IK। तो ये नए दोस्त मिला अभी भी हम लोग के साथ राइड पे जा रहे हैं, हम लोग एक साथ निकल रहे हैं अभी। तो निकलते ही बारिश शुरू, जैसे 11 बजे पहुँचा तो ऐसा बारिश, पूरा दुश्मन ही है हम लोग का, दुश्मन बन गया। हाँ, रेनकोट लेके आना चाहिए सारे भाई। हम लोग का टेंशन नहीं है, लेकिन मेरे कैमरा का टेंशन है बस, कुछ भी हो। चलो मिलते हैं आगे फिर। तो आज खुद को राइडिंग जैकेट में कैसा लग रहा है वो तो मुझे पता नहीं, पर मैं राइडिंग जैकेट पहन लिया हूँ बराबर रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं हेलमेट नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरा सेटअप कर रहा हूँ, मास्क पहन के सुबह में मुझे खोलने का बहुत चंदा आता है, इसके लिए नहीं खोला। ड्राइवर समीप भाई, वहाँ पर चंदन भाई और निकले का साइड और ज़्यादा, ये साइड और राइडर आ रहा है। तो पता नहीं ये फोटो। हेलो ब्रदर, नाइस टू मीट यू, कब का आपको? BKS ब्लॉक, एक्चुअली भाई का भी V4, मेरा भी V4, तो दो V4 होने वाला है और आर आर ठीक है, दो होने वाला है। इधर है एक चंदन भाई का, एक पार्किंग में चलता है, मिलते हैं मैं पार्किंग में चलता हूँ, तुम लोग आ जाओ पे। चलो 500 फ्यूल करते हैं यहाँ से, 500 का, उसके बाद आगे निकलते हैं वो लोग बटर। तो यहाँ पे सारा राइडर्स V4 आज दो है, GS मोटो व्लॉग्स संड्रीम संगमा बोल के है, ये भाई का ब्लॉग्स है, मेरे V4, और इसको मैं बंद करता हूँ। ये RR 32 है आज, और यहाँ पे एक हगे रहता है। ब्रो नाइस टू मीट यू, फर्स्ट टाइम हाँ है यहाँ हगे रहता है, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर ही, सब्सक्राइब भी करके रखा हूँ, इसका ब्लॉग देखता भी हूँ मैं, तो उसका भी RR 32। यहाँ पे हमारा सुनीत भाई, और ये एक नया जोड़ चुका है भाई हमारे, वो यहाँ पे सारा राइडर जाने के लिए निकल चुका है अभी। और यह शुभम भाई जो सेकंड टाइम होगा, ये हमारा शुभम भाई, तो नेक्स्ट ब्लॉग में देखा होगा, रिसेंट ब्लॉग में। और यहाँ पे सभी राइडर अभी जाके निकलेंगे ऐसे, और मैं GoPro अपना हाँ ठीक है, अभी GoPro यहाँ से निकलते हैं। मेरे हेलमेट नहीं खोलने का दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि हेलमेट अगर मैं खोलता हूँ तो मैं उसके अंदर बहुत कुछ लगाया है तो प्रॉब्लम्स होता है। तो गाइस सारा राइडर निकल चुका है, अभी आगे जाके एक मोटो पार्क भैया से मिलवाएंगे हम, उसका भी मैं सब्सक्राइबर हूँ, सो आज मिलने जा रहा हूँ उससे फाइनली। We were living through the pain you were never once solving. पता नहीं कुछ दिन से राइड क्या हो रहा है, जब भी राइड से निकलते हैं साले बारिश तो आता ही है, बारिश तो आता ही है। विदाउट भीगे राइड तो कर ही नहीं सकता, विदाउट भीगे हम लोग का राइड कंप्लीट हो ही नहीं सकता। मतलब उस दिन इतना सुंदर से बाइक को ढोया आज पूरा गंदा, लेकिन आज का व्लॉग थोड़ा बूम ही होगा, क्योंकि आज बहुत सारा नए नया राइडर्स जुड़ चुका है हम लोग के साथ, तो अच्छा भी लग रहा है। और नया नया मेम्बर्स जुड़ चुका है हम लोग के साथ ग्रुप में, तो अच्छा लगेगा, सबसे मिलना भी हो जाएगा। तो भाई मिलते हैं, अभी मोटोबर्ग भैया से मिलने दे रही है, तो मोटोबर्ग भैया से मिलेंगे भाई, बहुत मोटोबर्ग भैया से मिलने का बहुत इच्छुक था, तो वो भी आज पूरा हो जाएगा, ठीक है भाई। बारिश बस निकला खाली, और बारिश देखो फिर से यहाँ पे रुकना पड़ा हम लोगों को, बारिश की वजह से सारा मज़ा हो गया खराब, सारा राइडर्स हो गए ऐसे ही। अभी बोले तो बोले क्या, करे तो करे क्या भाई, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते अभी। कैसा हाल, कैसा लग रहा है आपको बारिश में भीग के भैया? चंदन भैया दिल गार्डन गार्डन हो गया भैया, तो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे हम लोग का बिच जो कि भीग रहा है, धोया नहीं था, धोया तो था लेकिन इन लोगों का नहीं धोया वजह से, इसलिए मेरे को भी, मेरे भी भिगा रहा है। ये कंपलसरी है, संडे राइड में होता ही है ऐसा, धूप होने से भी तो वो बन जाएगा ना, सूखा मछली बन जाएगा ना, इसलिए बारिश दे दिया, तो अच्छा ही है। सो भाई अभी निकल चुका है हम लोग भाई, तो क्या करें अभी, उदय तो भीग भीग के क्या ही बोलो, देख घंटा हो गया, देख जितना हो सके काटेंगे काटने से, और नहीं हो सके तो रखेंगे वैसे ही। तो भाई सारा राइडर भीग चुका है, सारा बाइकर सब मजाक किरकिरा हो गया, ख़राब हो गया, फिर भी निकल जाएंगे हम लोग अभी, तो सोच रहा है कि निकल जाएंगे, बारिश तो भीगना ही पड़ेगा, गंदा तो वैसे भी हो ही गया, कोई बात नहीं, इन लोग का राइडिंग जैकेट वाइडिंग जैकेट भीग के सब खत्म। अभी निकलेंगे, वहाँ पे शुभम भाई है और आ गई राइडर्स, सानी से हो गया छी दफनी, बारिश की वजह से पूरा रास्ता गीला हो गया। अभी आगे जगह किचड़ होगा, अभी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे होगा किचड़, ठीक है भाई। क्या है राइड करूँ, ब्लॉक करने का दिल भी नहीं कर रहा है, फिर भी करूँगा भाई करूँगा। ये देख ये आगे तो पूरा किचड़ हो गया, मुझे पता ही है,
उस दिन तो धूल था, आज कीचड़। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वहाँ पे दो आर ट्रीटन चल रहे हैं आगे, एक तो चंदन भाई का है, एक हगाय राइडर्स। ठीक है, अभी देखिए कैचर क्या ही बोल सकते हैं अभी। और जेटा जोर से नहीं, जस्ट इंजन ब्रेकिंग। भाई भाई उधर इतना बारिश है, ये रुंगराम पहुँच गए, यहाँ पे कुछ भी बारिश नहीं है। देखिए भाई वहाँ पे इतना भीग गया था हम लोग, मतलब बारिश में। वहाँ पे यह क्या चल रहा है, हेलमेट चेकिंग, आई थिंक शायद हेलमेट चेकिंग चल रहा होगा यहाँ पे। तो भाई मैंडेटरी है डबल हेलमेट्स, जो पीलियन बैठा है उसको भी हेलमेट पहनकर आना पड़ेगा अभी। ये मतलब अच्छा ही किया जो भी किया, मतलब जैसे कि पीलियन को भी सेफ्टी का ज़रूरत है ना, तो जो पीलियन लेके जाता है उसको भी हेलमेट पहन लो। और मैं तो बोल रहा हूँ सबको फुल फेस हेलमेट पहनवाना चाहिए था, ये बस खाली फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो हेलमेट पहनता है वो तो मतलब बिल्कुल बेकार ही है, मतलब क्या है बोलो उसको। और वो ऐसा हेलमेट पहनने से तो ना पहनने है बच्चा, अगर सिर के लिए पहन रहा है, अगर चलान के लिए पहन रहा है ओनली, तो भाई क्या ही है, क्या ही करो। कहाँ हुआ भाई, कहाँ हुआ? ये है असानांग हगाई राइडर RR 310 और वहाँ पे चंदन भाई, इन दोनों का ही RR 310 है खाली। सुपर लाउड, उसने एग्जॉस्ट इंस्टॉल किया अपना, तो इसलिए पूरा लाउड होता है, मज़ा आता है भाई। तो यहाँ पे रुक सका है, थोड़ा रुकेंगे हवा वक्त। तो यहाँ पे है शुभम भाई ले रहे हो, मैं अभी हेलमेट खोला नहीं है, मुझे को बहुत कान ये दर्द हो रहा है, जो अंदर जो है कान, मतलब क्या ही बोलो। अभी मैं आगे सब सबको दिखा रहा हूँ, स्कूटी भी जुड़ सका है हम लोगों के साथ। तो ये तो भाई हम लोगों के साथ आया ही था एक, तो यही बाइक है और आगे मिलेंगे साइड। तो भीग भग के यहाँ पे धूप निकल रहा है, ये एक स्कूटी है और ये भाई एक जो हम लोग के साथ आया एंटॉक, और ये 390 दिस इज V3 V4 2 V4 और ये RR 310 V3 दिस इज RR 310 और दिस इज माई। तो फिर से निकल सको हम लोग यहाँ से, लेट्स गो। ओहो मज़ा आ गया, लेट्स गो ब्रो। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुका है, ये देखिए कॉर्नरिंग। यहाँ पे हमारा चंदन भाई आगे कॉर्नरिंग किया करते हुए, अभी कॉर्नरिंग का मज़ा यहाँ देखिए सबका, ये देखिए। Cut the cord, they kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a spent together in our prime. We were birds of a feather, different kind. We were lying through the pain, we were never once so vain. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like this love. तो सारा राइडर्स यहाँ पे है, हम लोगों का जो भी भाई है। ओ हो वो गाड़ी थोड़ा रखता है ये पे और सबसे मिलता है, ठीक है। हाय सब्सक्राइबर ब्रदर डीकेएस व्लॉग, या आपसे मिलने के लिए आया था यहाँ पे, और यहाँ पे बाकी सारा राइडर्स से बहुत सारा, मतलब सबसे क्या ही मिलाओ अभी। हेलो ब्रदर, ये सनड्रीम राइडर राइट, या तो वो है मोटरबाइक भैया, और ये है सनड्रीम राइडर्स, जो कि मैं मिलना चाहता था इतने टाइम से।
ये शुभम भाई का 390। तो गाइस यहाँ पे सब हम लोग रुक चुका है, सारा बाइक है और बराबर ब्लॉगर से हम लोग को मिलना नहीं चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मोटर बाइक भैया जो कि मैं इसका सब्सक्राइबर हूँ, बहुत टाइम का मिल रहा है। अगर मेरे सब्सक्राइबर मिला तो उसको हम लोग, और यहाँ पे बहुत बड़ा यूट्यूबर है संदीप राइडर, मैं इसका थैंक यू। हाय, कुछ बोलो यार। कुछ हम बोलेगा, आप लोग जरूर इसको भी मदद करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हम लोग एक साथ राइड करेगा आज तक। और सीजन आ रहा है ना, सीजन में हम लोग रोज राइड करेगा ना, अभी बॉन्डिंग हो गया ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, थैंक यू। और ये यहाँ पे सारा राइडर भाई का चैनल है क्या, यूट्यूब चैनल है क्या, क्या नाम है? जुरू राइडर। तो नेक्स्ट मीट यू। और यहाँ पे आपको भी देखेंगे, क्या नाम होता है चैनल का नाम? मेरा चैनल का नाम द नॉट बॉय राइडर, द नॉट बॉय राइडर, ठीक है। तो मैं भी सब्सक्राइब, मैं रोज थी उसके साथ ब्लॉग आता हूँ उसके साथ, वो जो संजीव ब्लॉग राइडर, वो जो जी हिल्स का क्या बोलते हैं उसको, फेमस बॉय और प्ले बॉय। अभी और यहाँ पे सारा राइडर्स थे जाके हम लोग निकले तो मैं, और यहाँ पे एक हगाई हगाई राइडर्स, तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्लॉगर है। तो धंधा भाई कुछ करो, लाइक करो, पहले बार मिल रहा है लेंगे ना आगे, अच्छा राइड करेंगे कि नहीं। तो अभी निकलते हैं हम लोग, हेलमेट हेलमेट पहनते हैं सब निकलते हैं। तो ये ये क्या बना रहा है, मेरे को उल्लू बना रहा है। ये मेरे को 2000 का पकड़ा दिया है भाई ने, ये ब्लैक मनी पकड़ रखा है, देखो ब्लैक मनी, ब्लैक मनी भाई पकड़ रखा है, रेड मनी भाई, रेड पेवर ने। चलो अभी जाके मैं अभी हेलमेट को हेलमेट मैंने पहन लेता हूँ और जाके निकलता हूँ। ये राइडर्स निकल चुका है सारा, लेट्स गो। यस शुभम भाई, यस संदीप भाई निकल चुका है एग्जॉस्ट से, और अभी हम लोग भी निकलेंगे अभी। और यहाँ पे भाई है बीट्री में, आज बाइक बहुत ही बहुत है भाई, बहुत ही बहुत है। अभी हम लोग अभी निकलता है, निंजा 300। क्या ये साउंड मरते हुए जा रहे हैं लोग, शोर मचा दिया। चल आजा। तो सब निकल चुका है, अभी पीछे मैं निकल रहा हूँ। तो इन लोगों का साथ राइड करते करते हाइपर राइडिंग हो रहा है भाई, हम तो कर रहे हैं कि हाइपर राइडिंग नहीं करेंगे, पर भाई हो जाता है।